तेलुगु काटा जाते हैं तारे के तार के फेंक देते हैं लिंबू जब लिंबू बिचवाना हो गया पूरा लिंबू सब अंगूर के ऊपर ठोक के ये ऐसा ठोकी गई पूरा अंग पर से उतार के ले ली ये गुड़िया है इसको बोलते हैं काली गुड़िया अच्छा काली गुड़िया ये उतार के इसके ऊपर मतलब वो जो अभी आपने बताया कि जादू भूत पला भूत पलीत परिकरणी कौटाल जो भी जो कुछ होगा हाँ। इंसान के बदन वो निकाल जाएगा कैसे हाँ ठोक देते और गुड़िया के रूप में यहाँ पे ठोक दी जाएगी गुड़िया के रूप के अंदर उसको निकाल के उतार के इसके ऊपर ठोक देते किले अच्छा بسم الله الرحمن الرحيم हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं एक ऐसे गांव में जहां पर इंसान से ज़्यादा भूत प्रेत जिन जिन्नात और गंदी आत्माएं पेड़ पर और आसपास जगह जगह आपको पुतले के रूप में लटकी हुई दिखाई और नज़र पड़ जाएगी। महाराष्ट्र के बुलढाणा ज़िले में यह सैलानी गांव है और यहां पर हज़रत अब्दुल रहमान सैलानी सरकार रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह है और यहां पर बाबा के दुआओं से और अल्लाह के करम से यहां पर कई मज़ार हैं। अभी हम बाग जाली की ज़ियारत करके हम निकले हैं और आप देख सकते हैं कि यह बरसात का मौसम है, चारों तरफ बहुत ही हरियाली है। जिस तरफ आँख उठा के देखो हरियाली ही हरियाली है, लेकिन इस गांव में जितने इंसानों की आबादी है इंसानों से ज़्यादा यहां पर भूत प्रेत जिन जिन्नात जादू टोना कीन करनी से पीड़ित व्यक्ति आपको यहां पर मिल जाएंगे और जगह जगह पेड़ पर कील से टोके हुए काले काले पुतले काले काले गुड्डे और उतारे हुए लींबू नारियल आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। दोस्तों, भूत प्रेत जादू टोना जिन जिन्नात को साइंस और विज्ञान नहीं मानता है, साइंस और विज्ञान इसे अंधविश्वास बताता है और इससे पीड़ित लोगों को मानसिक रोगी बताता है। लेकिन जिसके परिवार में किसी एक व्यक्ति के ऊपर भी किसी भूत प्रेत जिन जिन्नात जो काली ताकतें होती है वो प्रवेश कर जाती है तो वो व्यक्ति को कितनी पीड़ा होती है कितनी तकलीफ़ होती है वो व्यक्ति ही जानता है और उसके परिवार वाले कितना परेशान होते हैं ये वही जानते हैं। जब लोग डॉक्टरों के पास जाकर साइंस और विज्ञान की पढ़ाई कर डॉक्टर के पास जाकर लोग थक जाते हैं और उन्हें कोई आराम नहीं मिलता है तो लोग यहाँ तक कि डॉक्टर खुद कहते हैं कि इसे अब दुआ ही बचा सकती है। तो ऐसे में वो भूत प्रेत जिन जिन्नात और खिलाया पिलाया से पीड़ित व्यक्तियों को यहाँ पर आते हैं और सैलानी सरकार रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आने के बाद गौली बाबा के दरबार में आते हैं और गौली बाबा के दरगाह पर सैलानी बाबा के वसीले से अल्लाह से दुआएं मांगते हैं और अल्लाह उनकी दुआएं अपने महबूब अपने अल्लाह के नेक वली के दुआओं को जल्द कबूल करते हैं और ऐसे मरीजों का यहां पर रूहानी इलाज होता है। नीम के ये नीम के दरख है, ये नीम के दरख के नीचे बैठते थे गौली बाबा। अच्छा, ये यहाँ पे बैठते थे, बैठक है, बैठक है उनके पास, तो वहीं पे मजार बन गया, मजार वहीं पे उनके पास। अच्छा, हाँ यही उनके मजार। ये इनके बारे में बताइए बाबा, थोड़ा और आगे आइए। ये गुड़िया और आगे, और आगे ये गुड़िया है उनके, ये गुड़िया है छोटी ली सब उतारा करके इस साइड से। हाँ सर, आंग पर इस साइड से, इस साइड हाथ दिखा के, हाथ दिखा उतार के। हाँ बस बस, ठोके गए सब आंगूर के ऊपर, ठोके ये ऐसा ठोके गई पूरा अंग पर से उतार के ले ली। ये गुड़िया है, इसको बोलते हैं काली गुड़िया। अच्छा, काली गुड़िया ये उतार के इसके ऊपर ले, मतलब वो जो अभी आपने बताया कि जादू भूत पला भूत पलीत परिकरणी कौटाल जो भी जो कुछ होगा इंसान के बदन पे वो निकाल जाएगा कैसे ठोक देते और गुड़िया के रूप में यहाँ पे ठोक दी जाएगी, गुड़िया के रूप के अंदर उसको निकाल के उतार के इसके ऊपर ठोक देते खिले। अच्छा, देखो खिले सब पूरे खिले, पिलावा है, खिले है, नींबू है, तीन आइटम उसके अंदर रहता है, नींबू बिलावा उसको बिलाव बिलाव बोलते बीवा, ये बीवा बोलते इसको बीवा,
बाबुल को लगा के उसको दे, कोई गुड़िया भी लगा देती थी और कोई अपने घर के कोई गुम हो गया उसके फोटो ला के लगा देते, ये इसका फोटो है बच्चे इंसान का, हमारा गुम होगा कहीं कहीं गया होगा तो आप आ जाए करके अपन लगा देते हैं, ये फोटो लगा देते हैं उसके अंदर। ये बाबा के मतलब एक हिसाब से खिदमतगार थे, चाय पिलाते थे। हाँ जी हाँ, चाय खिदमतगार थे उनके वाले। हाँ, खादिम उनको चाय पिलाते थे। हाँ, तो उनको बाबा ने ये मुकाम दिया कि उनका यहाँ पे मजार बन गया। मजार बनी। हाँ, तो ये टेकड़ी के ऊपर मजार बनी है, टेकड़ी है उसकी थोड़ी सी। चलिए ना मजार शरीफ पे चलिए ना। हाँ, चलिए वहाँ से जगह नहीं है, यहाँ से चालू है चालू है। छोटे छोटे मजार है उनके वाले, बैठक की जगह है ये, ऐसे लिंबू काटा जाते है तारे के तार के फेंक देते है लिंबू, जब लिंबू बिछवाना हो गया पूरा लिंबू कैसा है बाबा के दरकार। खिदमतगार थे इनके वाले, ढोली बाबा ढोली साहब चाय बना के पिला देते उनको ही बाबा को, ये बाबा को चाय बना के पिला देते ढोली बाबा बोलते उनको, ढोली साहब बाबा बोलते हैं। ये जो कैसे हाल भरे जाते है, ये जो कोई कैसे हाल भरते है, हाल भरते है, ऐसा तकलीफ होती दूर हो जाते दूर हो जाता। देखिए फोटो